यू नो कल उड़ीसा में बहुत ही एक दर्दनाक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और मुझे लगता है कि पूरा देश जो है इस समय शोक में। लेकिन दुख की बात ये है कि हम अचानक देख रहे हैं कि सब पार्टीज के लोग एक दूसरे को ब्लेम करने में लग गए हैं, नीचे खींचने में लग गए हैं, बट नो वन इज थिंकिंग अबाउट द फैमिलीज ऑफ ऑल दीज पीपल हु हैव गॉन थ्रू दैट। वेरी सैड। आई थिंक सब लोग, हम लोग ट्वीट करते हैं, शोक दिखाते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं, बट वॉट अबाउट ऑल दोज पीपल जो अपने घर से निकले थे रोटी कमाने के लिए, कोई चेन्नई जा रहा था, कोई मजदूर बिहार का, अलग अलग फैमिलीज़ के छोटे छोटे परिवारों के लोग, जो पूरे परिवार ख़त्म हो गए। मुझे नहीं लगता कि वापस से कभी वो खड़े हो पाएंगे, कॉम्पेंसेशन मिलेंगे उनको जो शायद दो चार महीने में ख़त्म हो जाएंगे, इंजर्ड जो लोग हैं उनको थोड़ी कॉम्पेंसेशन मिलेगी जो शायद फिर एक दो महीने में ख़त्म हो जाएगी, बट इमेजिन कि जिसकी टांग टूटी होगी, जिसकी गर्दन टूटी होगी, कंधा टूटा होगा, वापस कब अपने काम पे जा पाएगा या कभी जा भी नहीं पाएगा। दीज आर ऑल द ब्रेड विनर्स ऑफ द फैमिलीज़। और मुझे लगता है कि सरकार बहुत कमाल का काम करी, पर एक छोटी सी पॉलिसी कहीं पर अगर लेकर आए, जहाँ पर मुझे लगता है कि जो ऐसी ट्रैजिक इंसिडेंट्स होती हैं, जो इतने मास लेवल पे हमारे देश में ऐसी दर्दनाक घटनाएं होती हैं, उसमें उन फैमिलीज़ को जो इंजर्ड हैं उनको ताज़ ज़िंदगी, जैसे हमें पेंशन्स मिलती थी, प्रोविडेंट फंड्स मिलते थे या एक फिक्स्ड इनकम आती थी, वो ज़रूर आनी चाहिए कि हर मंथ कुछ भी इनकम हो, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, जो भी एक इनकम हो, इन फैमिलीज़ जो इंजर्ड हुए हैं फैमिलीज़ या जिनके परिवार वाले गए हैं, उनको एक फिक्स इनकम आनी ज़रूरी है ताकि वो चल सके, क्योंकि जो भी हम थोड़ी बहुत कॉम्पेंसेशन देंगे वो ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, और कोई भी कॉम्पेंसेशन फैमिली का जो लॉस हुआ है उसको कभी पूरा नहीं कर पाएगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सब लोगों से कि आप मिलकर कुछ ना कुछ ज़रूर करें। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, बहुत कमाल का काम कर रही हैं, बट टुगेदर आई थिंक दे शुड फॉर्म सर्टन काइंड ऑफ पॉलिसीज़ जो आगे तक एक एग्जांपल सेट कर पाएँ, और ख़ासकर उड़ीसा की जो इतनी बड़ी इंसिडेंट है उसमें हम लोग सब मिलकर साथ में खड़े हो पाएँ। आई थिंक सिर्फ सोशल मीडिया पर दुख दिखाने से कुछ नहीं होगा। एक रिलीफ फंड इकट्ठा होना चाहिए उन फैमिलीज़ के लिए, उन परिवार वालों के लिए, एंड आई वुड से प्लीज़ प्लीज़ मेक इट हैपन। एंड सब पॉलिटिकल पार्टी से प्लीज़ एक दूसरे को मत ब्लेम करें, ब्लेम गेम मत खेलें, मत नीचे दिखाएं। आई थिंक इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू स्टैंड विद द फैमिलीज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, और मुझे नहीं लगता कि कभी वो ज़िंदगी नॉर्मल उनकी हो पाएगी। हम लोग शायद, जैसे मैंने बोला कि हम लोग व्यस्त हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, बट it's very important to stand with them and show our support to them. So guys, please come together and let's try to do whatever best we can. Jai Hind. Nagaratna Jewelers tarafru amo somosto grahako bandhu manunku shubhechha janauchu. Amo sahita samparko rakhithibaru ebong amo prati bishwas rakhithibaru ashesh dhanyabad. Ame asha karuchu je आगुकु मध्य एमिति विश्वास रही थाउ। समस्त ग्राहक बंधु मानंकु नागरत्न ज्वेलर्स तरफरु नुआ नुआ डिजाइन एवं बेस्ट क्वालिटी रूपा गहना आपण मानंकु पाखकु नै आसछु। आपणकु सेबारे नागरत्न ज्वेलर्स सबु दिन पई फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयरिंग करा जीवो। नागरत्न ज्वेलर्स नारीर सौंदर्यर प्रतीक।